कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने के लिए बीजेपी अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज अमेठी में हैं। शाह ने यहां एक रैली को संबोधित किया और सवाल किया कि गांधी परिवार ने पिछले 50 साल में अमेठी को क्या दिया। खास बात यह है कि अमित शाह आज रात अमेठी के जगदीशपुर में रुकेंगे। अमेठी गांधी परिवार का गढ़, सियासी लिहाज से देखा जाए तो ये सीट बेहद अहम है। सालों से कांग्रेस का इस किले पर कब्जा रहा है, विरोधी इसे भेदने की कोशिशों में लगे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने स्मृति ईरानी को मैदान में उतारा था, तब खुद प्रधानमंत्री मोदी प्रचार के लिए अमेठी पहुंचे थे। अब इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी के चाणक्य यानी अमित शाह अमेठी के मैदान में उतरे हैं। एक ऐसा सियासी चक्रव्यूह रचने की कोशिश है जिससे कांग्रेस के गढ़ पर कब्जा किया जा सके। गुरुवार को एक चुनावी रैली कर अमित शाह ने अमेठी की जमीन से गांधी परिवार को सीधे चुनौती दी। यहाँ तो 50 साल से एक ही परिवार का सिक्का चल रहा है भैया, तो मैं पूछना चाहता हूँ साहिबजादे से, कर क्या दिया भैया, कितने साल किया क्या? आप तो एक ही सहजादे से परेशान थे, अब तो दो हो गए, दो हो गए, आपकी परेशानी बढ़ गई है। अमित शाह ने अमेठी की जनता से बीजेपी प्रत्याशी गरिमा सिंह को जिताने की अपील भी की। अमेठी वाले समझ ले, अमेठी से महारानी साहिबा को नहीं जिताया तो भाजपा सरकार का कोई मतलब नहीं है। यहाँ से एक बार भाजपा की सरकार के लिए प्रतिनिधि भेज दीजिए, अपने आप दो तिहाई बहुमत से सरकार बन जाएगी। अमेठी सीट जहां गांधी परिवार के लिए साख का सवाल है, तो वहीं बीजेपी के लिए इसे भेदना सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन पिछले काफी समय से गांधी परिवार का कोई सदस्य अमेठी में चुनाव प्रचार के लिए नहीं पहुंचा। शायद इस मौके को भांपते हुए शाह ने अपना अमेठी दौरे का ये कार्यक्रम तय किया है। अमेठी में 5वें चरण में मतदान होना है, जिसके प्रचार के लिए सोनिया, राहुल और प्रियंका तीनों अमेठी आएंगे। ऐसे में गांधी परिवार के इस गढ़ में शाह पहले ही अपनी रणनीति तय कर लेना चाहते हैं। साथ ही अमेठी सीट पर कांग्रेस और एसपी के उम्मीदवार इस बार आमने सामने हैं, जिसका फायदा बीजेपी हर हाल में उठाना चाहती है। शाह रैली के बाद रात को जगदीशपुर में ही रुकेंगे और रूठे कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं से मुलाकात करेंगे। मकसद है यहाँ के स्थानीय कैडर में जोश और उत्साह भरना, ताकि बूथ लेवल तक पार्टी कार्यकर्ता सक्रिय होकर काम करें। अमेठी के चुनाव में स्मृति ईरानी की प्रतिष्ठा भी जुड़ी है, वे 3 साल से अमेठी में डटी हैं। इसके बाद मुलायम के करीबी गायत्री प्रजापति हैं, जिससे मुलायम की प्रतिष्ठा भी अमेठी रायबरेली में फंसी है। गांधी परिवार का सम्मान अमेठी रायबरेली से पहले से जुड़ा है, इससे यहां का चुनावी मुकाबला बेहद रोचक हो गया है। अमेठी से सतीश वर्णवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।